अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है दोस्तों आप सब खेल रहे हैं। दोस्तों अगर आपके पास भी इन्फिनिक्स का डिवाइस है लेकिन इन्फिनिक्स के डिवाइस में ये प्रॉब्लम हमारे सामने आ रहा है कि जैसे कि हम अपने डिवाइस के कैमरे को ओपन करते हैं तो हमारे सामने हमारा जो कैमरा है वो वर्क नहीं कर पाता, कोई भी जो है यानी फोटो लेंस के लिए वो ओपन नहीं हो पाता प्रॉपर तरीके से। लेकिन हमारे सामने इस तरीके का इंटरफेस दिखा था, कांट कनेक्ट दिस कैमरा, तो इस प्रॉब्लम को आप किस तरह से फिक्स कर सकते हैं तो आज की वीडियो में आपको बताने वाला। बाद ऐसा होता है कि आप किसी भी अपने डिवाइस में कोई सेटिंग वगैरह एनेबल कर देते या ऑफ कर देते जिसकी वजह से आपका जो कैमरा है या कोई भी जो दूसरा ऑप्शन है वो हमारा जो है काम नहीं कर पाता। तो इस प्रॉब्लम को आप किस तरह से फिक्स कर सकते हैं तो आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूं। तो मेरे पास इन्फिनिक्स का डिवाइस है, आपके पास भी सेम डिवाइस हो सकता है। तो सिंपली अपने मोबाइल की सेटिंग को आपने ओपन करना है और यहां पर आपको इन्फिनिक्स के डिवाइस में फर्स्ट में आपको दिख जाएगा माई फोन, तो आपने माई फोन पर क्लिक करना है और उसके बाद नीचे की ओर स्क्रॉल करना है। जैसे आप नीचे की ओर स्क्रॉल करेंगे तो यहां पर आपको दिख जाएगा बिल्ड नंबर, तो आपने 3 से 4 बार अपने बिल्ड नंबर पर टाइप करना है। तो ये हमारे सामने एक डेवलपर ऑप्शन जो है एक सेटिंग है ये हमारे सामने ऑन हो जाएगा। और यहां पर अगर आपको ब्लैक स्क्रीन दिखा रहा है तो आपने पैटर्न लॉक या अपना जो पासवर्ड लगाएगा वो लॉक स्क्रीन के लिए वो आपने लगा देना, तो ये आपका ऑन हो जाएगा। और नीचे को स्क्रॉल करना है और जैसे आप नीचे को स्क्रॉल करेंगे तो लास्ट में आपको दिखेगा सिस्टम ऑप्शन या सिस्टम का ऑप्शन, तो आपने उस पर क्लिक करना है। नीचे आपको डेवलपर ऑप्शन जो है शो हो जाएगा बिल्ड नंबर पर 3 से 4 बार क्लिक करने के बाद। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपने सिंपली क्या करना, नीचे को स्क्रॉल कर देना थोड़ा सा, यहाँ पर आपको दीजिए क्विक सेटिंग डेवलपर टाइल्स, तो आपने क्विक सेटिंग डेवलपर टाइल्स के ऑप्शन पर आपने क्लिक कर देना है। और यहाँ पर आपको एक सेकंड लास्ट पर दिख जाएगा सेंसर ऑफ, अगर ये आपका ऑन होगा तो आपने इसको ऑफ नहीं करना, सिर्फ ऑन ही रहने देना। उसके बाद आपने थोड़ा सा स्क्रॉल करना है और वाईफाई की तरफ से आपको ये ऑप्शन दिखेगा, तो आपने इसको हटा देना यानी ऑफ कर देना, जैसे मैंने ऑफ कर दिया। उसके बाद ये सेंसर को आपने फिर से ऑफ कर देना जैसे सेम टू सेम मैंने किया। उसके बाद जैसे ये आप सेटिंग कर लें उसके बाद कोई चीज़ को आपने क्लिक वगैरह नहीं करना, जस्ट आपने अपने डेवलपर ऑप्शन को जो है हटा देना है, ऑफ कर देना है, जैसे कि मैं यहाँ पर ऑफ कर देता हूँ। जैसे आप ऑफ करेंगे अब हम क्या करते हैं, इसको सबको यहाँ से मिनिमाइज से हटा देते हैं। उसके बाद अपने डिवाइस के कैमरे को हम ओपन करते हैं, ऑन करते हैं, देखते हैं हमारा जो कैमरा है वो ऑन हो पाता है या नहीं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा कैमरा ऑन हो चुका है, लेकिन कुछ दोस्तों का ये सेटिंग करने के बाद भी जो है उसका कैमरा ऑन नहीं होगा। वो क्यों नहीं होगा, क्योंकि सभी इन्फिनिक्स डिवाइस की सेटिंग सेम नहीं होती। तो कुछ और मैं आपको सेटिंग बताता हूँ उससे भी आपका प्रॉब्लम सॉल्व, लेकिन कुछ दोस्तों का इस सेटिंग से उसका जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद अपने मोबाइल की सेटिंग को ओपन कीजिएगा और आपने क्या करना है, सिंपली नीचे को स्क्रॉल करना है और यहाँ पर आपने सिस्टम वाले ऑप्शन पर चले जाना है। सिस्टम वाले ऑप्शन पर जैसे ही जाएंगे तो यहाँ पर आपको दीजिएगा रीसेट ऑप्शन, तो आपने रीसेट ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ पर रीसेट ऐप प्रेफरेंस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना और सभी ऐप को नीचे रीसेट ऐप्स पे क्लिक करके सभी ऐप्स को आपने रीसेट कर देना, तो इससे आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ये अगर सॉल्व ना हो तो आपने एक बार अपने डिवाइस को रीबूट यानी रीस्टार्ट लाजमी कर देना। और आपने मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना है को फर्स्ट ट्रिक से यानी फर्स्ट सेटिंग से आपका प्रॉब्लम सॉल्व हुआ या रीसेट से या रिबूट करने से, तो आपने मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना है। अगर वीडियो हेल्पफुल लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।